और अब आपको बताएं कि चीन पाकिस्तान में बेरोजगारी के खात्मे के लिए मुआवनत कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान में नए मंसूबे नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज कर दिया है। इस नए मंसूबे के हवाले से आपको तफसीलन बताएंगे इस रिपोर्ट में। पाक चीन दोस्ती समंदर से भी ज्यादा गहरी। सीपैक के साथ साथ चाइना पाकिस्तान में बेरोजगारी के खात्मे के लिए मुआवनत कर रहा है। चाइना की जानिब से पाकिस्तान में नया मंसूबा नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान में तेजी से काम कर रहा है। इस मंसूबे के जरिए बेरोजगार और नाख्वानदा अफराद को बाकायदा मुफ्त तालीम के जरिए उनका अपना कारोबार शुरू करने में मुआवनत हासिल हो रही है, जिसके जरिए मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया जा सकता है। इस मंसूबे की बुनियाद ली जेनयान ने 1992 में रखी, जबकि पाकिस्तान में इस मंसूबे का आगाज 2002 में किया गया। इस मंसूबे के जरिए तकरीबन 23,000 अफराद भरपूर फायदा उठा चुके हैं। इस मंसूबे में चाइना की मारूफ इंटरनेशनल कंपनी टीएनस और पाकिस्तान की एआरजी कंपनी शामिल हैं। पाकिस्तान की कंपनी एआरजी के चेयरमैन मलिक जमीर का कहना है कि इस मंसूबे के जरिए पाकिस्तानी अवाम भरपूर फायदा उठा सकते हैं और मुल्क से बेरोजगारी खत्म करने में मदद कर सकते हैं। एआरजी एक इंस्टीट्यूट है नेटवर्क मार्केटिंग, कॉमर्स और मेडिकल के हवाले से स्टूडेंट्स इसमें आते हैं और एजाजी तौर पर जो मेंबरशिप हासिल होती है चाइना की नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी तियानशी इंटरनेशनल, जिनके फाउंडर है मिस्टर ली जिनयान। और मिस्टर ली ने 1992 में इस बिजनेस की बुनियाद रखी चाइना से और उसके बाद ये बिजनेस वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में 190 मालिक में फैल चुका है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 2002 में फौज की तरफ से ये बहुत प्यारा गिफ्ट है तियानशी इंटरनेशनल और ये सीपैक का हिस्सा है। पिछले 8-10 साल का जो भी होमवर्क हुआ और 10 साल बाद जो रिजल्ट आया तो यूथ इसमें नेटवर्क मार्केटिंग कोर्सेज के हवाले से हाजिर होती हैं। मैंने DSSA के सिस्टम से मुंसलिक हुआ और मैंने डायरेक्ट इन्वेस्ट की अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा जो ड्रीम था, मेरा गोल थे, आई वाज थिंकिंग अबाउट टू डू समथिंग फॉर पुअर पीपल्स एंड फॉर टू डू फॉर ऑन अ वर्क ऑन हेल्थ। अगर आप किसी को हेल्थ दे देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दुआ मिलेगी।